स्टार्ट करते हैं। 2022 में तो ये चैप्टर नहीं आया था, फिर से एक बार 2020 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट की डिस्कशन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, ये रहा, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन की मूव करने की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज बताओ कि जब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करवाएगा। तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं करता, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर पैरा जो है वो किस में बन जाता है, डाया। अच्छा ऑप्शन है इसमें, फेरो डाया में, फेरो पैरा में, वैसे इसका सही नहीं लग रहा मुझे, फेरो पैरा में आएगा इसका आंसर। जो फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाया में तो बिल्कुल भी नहीं होते। गलत है इसका आंसर यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम मॉडर्न 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 भरी पड़ी है मॉडर्न, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स 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 ऑप्टिक्स, एसी एसी, कंडक्टिंग रॉड नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मॉडर्न, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, एमीटर। हाँ ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या वोल्टमीटर हर साल हर पेपर में आया मिलेगा आपको। अभी मैं और पेपर भी ओपन करूंगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आएगा, तो पक्का ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। एक टॉर्क का टॉपिक जरूर आएगा आपको, यह था ना कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप है तो वो टॉर्क जनरेट करेगी, तो NBIA साइन थीटा, तो एक वो टॉपिक और इसके बेस पे एप्लीकेशन में ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर या वोल्टमीटर पक्का आएगा। तो इसके अंदर यही है, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन कैन मेजर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, तो आपको इसमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 0.8 है। अब इंपॉर्टेंट है, उसने कहा एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 कैन मेजर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, शंट कितनी लगाएं ताकि वो 5 एम्पियर रीड करे। तो जब हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें मैंने बोला था कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, उसको लिखना चाहिए था गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, क्योंकि वो बड़ा करंट मेजर करे, पर वो जान के वो एमीटर ही लिखता है कि पहला भी एमीटर और नया भी एमीटर। तो जो पुराना एमीटर था जो छोटी वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है वो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर ही था। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना है या छोटा एमीटर बड़े एमीटर में कन्वर्ट करना है, बात एक ही है। तो अब ये ना देखें कि इसमें गैल्वेनोमीटर मेंशन नहीं किया, यही गैल्वेनोमीटर की ही बात हो रही है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, जो आईजी की वैल्यू इतनी है, और आई कितना चाहिए हमें, 5 एम्पियर। शंट का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कुछ करना नहीं है इसमें। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है शार्पनेस, एसी ईएमआई एसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, अगेन मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, डायपोल्स हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बाद कंडीशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिया हमने, ये भी करना है अभी आने वाले टाइम में, अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, काइनेटिक एनर्जी मॉडर्न फिजिक्स है, हाफ लाइफ पीरियड मॉडर्न फिजिक्स है, सोलर सेल, इलेक्ट्रोस्टैट्स इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये रहा। फिर देखो आगे, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस। ये बायट सर्वट लॉ की पहली एप्लीकेशन है, सर्कुलर रिंग के एक्सिस के ऊपर आपको बी निकालना है। तो बायट सर्वट लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये पहला तो ईजी है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ 2 मीटर है, रॉड है 2 मीटर, हॉरिजॉन्टल टेबल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पड़ी हुई है, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में गिवन है और एंगल ऑफ डिप भी गिवन है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि टोटल भी गिवन है और एंगल ऑफ डिप गिवन है। तो रॉड करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है और इस पर क्या निकालनी है फोर्स, फॉर्मूला क्या लगेगा, BIL साइन थीटा, यानी इसमें तो क्या करेंगे, इसमें
पहले काम करेंगे, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है, आप इसमें एच निकालोगे क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इसके ऊपर बी लगाएगा, मतलब बी टोटल लगेगा नहीं क्योंकि बी तो एंगल पे लगा हुआ है, आपको एच निकालना है। तो टैन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू, याद है, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एच आएगा, फिर बी एल वी साइन 90 से बी की जगह एच पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी एल साइन 90 पे न्यूमेरिकल आया हुआ, पर आया थोड़ा घुमा के आया हुआ है, इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिला के उसने दिया। चलो कोई बात नहीं, पसंद कोई बात नहीं, चॉइस है। एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब करंट कैरिंग लूप इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क निकालो, इजी है, डेरिवेशन आ गई। नेक्स्ट है पार्टिकल जिसका मास एंड चार्ज गिवन है, साइक्लोट्रोन तो आता नहीं मेरे ख्याल से, साइक्लोट्रोन है अब नहीं है, चलो ठीक है तो हट गया, यानी कि एक थ्योरी का आना है और एक न्यूमेरिकल आना है, सिंपल है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आना ही आना है इसमें, पांच नंबर का क्वेश्चन मैग्नेटिक में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन पांच नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके जाएगा, एक क्वेश्चन पांच नंबर में मैग्नेटिक लेके जाएगा, एक ऑप्टिक्स लेके जाएगा, और हो सकता है एक मॉडर्न में से भी आ सकता है, मैं कह नहीं सकता, पर तीन नंबर में तो बहुत आते हैं, मॉडर्न तो भरी पड़ी है, मॉडर्न ऑप्टिक्स तो भरी पड़ी है, आपने देख ही लिया। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें ये भी हो गया, बस इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, और तो कुछ बचा भी नहीं इसमें, वेव फ्रंट ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो चलो हो सकता है कि इन्होंने ना ठीक पेपर डाला, उन्होंने देख लेते हैं उन्नीस कैसा डालता है, पता ही लगता है ना हर साल, कोई हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन गलत निकले, 1918 भी देख लेते हैं प्रेडिक्शन सही है गलत है पता लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न है, गॉस थ्योरम, पैरेलल शीट्स, ये रहा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, प्रोटॉन पी ट्रेवल्स 4×10⁴ मीटर पर सेकेंड पैरल टू द वायर 0.2 मीटर, फोर्स निकालनी है। अगर आप मेरी मैग्नेटिक की बुकलेट खोलोगे ना, बायट सर्वर्ट लॉ के साथ एक एग्जांपल सॉल्व किया हुआ, पहला न्यूमेरिकल ये है, शीट का पहले पेज के ऊपर यही है कि आप पहले क्या करेंगे, इसकी वजह से आप बी निकाल लेंगे। तो बी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का, जब जो टॉपिक इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूं मैं शीट की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2i/r, तो बी निकल गया, तो बी क्यू वी साइन 90 फोर्स आ गई। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट फोर्स हो गई, डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का रूल, तो ये ऊपर है, बी कहाँ है, इनसाइड है, तो इसके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल नीचे है, फोर्स कहाँ पर है, टुवर्ड्स राइट है। तो मतलब वो आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछेगा, फोर्स की वैल्यू पूछेगा, उसने बी की वैल्यू भी यूज करवा दी न्यूमेरिकल में, फोर्स का फॉर्मूला भी यूज हो गया, डायरेक्शन, बढ़िया क्वेश्चन है, तीन कॉन्सेप्ट इकट्ठे लग रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीम ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी ऑप्टिक्स है, ट्रांजिस्टर है, मॉडर्न, आप डायग्राम देखे घबराए ना, ये पुराने पेपर हैं, आप ऐसा आता नहीं है, आप सोचेंगे ऐसे ऐसे डायग्राम तो याद भी नहीं मुझे किए थे नहीं किए थे, नहीं आपको नहीं आएंगे ये, क्योंकि ये वाला टॉपिक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा हट गया, वैसा आता नहीं है। तो इसमें पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मीटर ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज के बाद मॉडर्न, मीटर ब्रिज तो आएगा, हट गया तो रह गया क्या, पोटेंशियोमीटर हटा है तो इलेक्ट्रिसिटी में करके क्या जा रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस मीटर ब्रिज होना चाहिए भाई, देख लेना, व्हीटस्टोन है, फिर व्हीटस्टोन आएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक ही बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा, तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज और ड्रिफ्ट तो पक्का ही है, इससे और कम सिलेबस क्या करेगा, उड़ाई देता इलेक्ट्रिसिटी से, अच्छा तो यार करनी क्या थी करके, सीबीएसई के साइट से चेक करना चाहिए, ठीक है, मैच है, ठीक है ठीक है, ओके ये रहा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, हम ऐसे क्वेश्चन किया करते थे, ध्यान आ गए, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंपेयर काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आपको इस क्वेश्चन में तीन पार्टिकल्स गिवन है, आपको इसमें तीन पार्टिकल्स गिवन है, आपको कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान आगे प्लीज, जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली क्या होती है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो लंबा काम कर रहा है, देखो इसमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू वी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल। तो यहां से सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगी तो रेडियस क्या होगा, एम वेलोसिटी बाय
बी क्यू, तो ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है। नहीं करना तो अगर आप अपनी बुकलेट चेक करेंगे, उसमें स्पेशली एसएल की बुक चेक करेंगे, तो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करता है वो। ये फॉर्मूला बना रखा है, कैसे बना रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी रेडियस का फॉर्मूला पुट करें एम वी बाई बी क्यू, वहां से वेलोसिटी निकाल लें, उस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे आंसर आएगा, ऐसा कर लें। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। रेशियो निकालनी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, निकाल लेना प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की, निकाल लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक मतलब बेसिक फॉर्मूला वही है काइनेटिक एनर्जी का, बस वेलोसिटी कहां से निकालोगे, वेलोसिटी रेडियस के अंदर से निकालोगे, आर इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू, तो ये फॉर्मूला तैयार होकर आएगा, ठीक। गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इंटू एम, 19 के पेपर में भी 20 के पेपर में भी, ठीक, उन जो उससे पहले वाला पेपर था और ये वाला, दोनों में है। 22 में वॉल्यूम 2 आना था, 23 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कन्वर्जन का क्वेश्चन आना चाहिए, हर साल आ ही रहा है। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 4 मिली एम्पियर, कन्वर्ट इंटू एम मीटर ऑफ रेंज 0, सेम क्वेश्चन डाल रखा है, आई पता है, जी पता है, आई जी पता है, तो निकाल लेना इसमें। तो ये अगेन कन्वर्जन के न्यूमेरिकल है, कन्वर्जन का न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरी का आएगा और एक कन्वर्जन का न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट है और में क्या डाला, गैल्वेनोमीटर बोलो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इनटू वोल्ट मीटर, थ्योरी में डाल दिया, ओके, एक न्यूमेरिकल वोल्ट मीटर कन्वर्जन का डाल दिया, मतलब एक पहला पार्ट क्या डाला कि थ्योरी में डाला कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, उसका न्यूमेरिकल डाला, और में क्या डाल दिया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और साथ में उसका एक न्यूमेरिकल। तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो जब भी आप तैयारी करेंगे टॉर्क का टॉपिक और ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, दोनों में से कुछ ना कुछ पक्का आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये तो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक है, ये नहीं है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के बाद अगेन ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के बाद डेविसन जर्मर है, मॉडर्न है, बोअर्स मॉडर्न है, बाइंडिंग एनर्जी मॉडर्न है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट्स है, किया था इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ईएमआई एसी है, एसी जनरेटर है, ऑप्टिक्स है, डन। तो कुल मिला के तो यार घूम के एक एप्लीकेशन आ रही है बायट सर्किट लॉ एम्पियर सर्किट लॉ की, या कन्वर्जन आ रहा है, या टॉर्क आ रहा है, उसका न्यूमेरिकल आ रहा है, फिर कोई बात नहीं, और एक साल पीछे चलते हैं, देख लेते हैं यार क्या पता हमसे कोई गलती हो जाए, हम दो पेपर से ना प्रिडिक्ट सही तरह कर पाए, देख लेते हैं, एक और देखते हैं। तो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन आर ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ पैरेलल पाथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, विच वन ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी की बातें कर रहे हैं वो, हायर फ्रीक्वेंसी कैसे, उसने कहा इलेक्ट्रॉन हायर फ्रीक्वेंसी पे, कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर बाय वी, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पैरेलल पाथ पे मूव कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सेलरेट करवाएगा, स्पीड चेंज करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कल में घुमाएगा, तो अफेक्ट इसमें मैग्नेटिक फील्ड का है, लेकिन एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स उस पर मैग्नेटिक क्या लग रही है, बी क्यू वी बाय मास, अब मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, तो एक्सेलरेशन किसकी कम है, प्रोटॉन की, और ऐसे ही मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, पर एक्सेलरेशन से क्या फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन क्योंकि ये फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही है, और अगर फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही है बी क्यू वी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो वो तेज तेज घूमेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा आएगी। एक नंबर में ज्यादा दिमाग नहीं लगवा लिया इसने, थोड़ा सा है ना, एक नंबर के हिसाब से, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट है, ईएम रेडिएशंस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक है, और ओपनिंग पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बंदा क्या करेगा, पहली बॉल ही ऐसी है, कोई बात नहीं, तो इसमें आसान था वैसे, इतना मुश्किल नहीं है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रारेड रेस मॉडर्न इलेक्ट्रोस्टैट्स कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था, मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम अलाइंड एट 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। ये टॉर्क का फॉर्मूला पूछ रहा है, टॉर्क से वर्क डन हमने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। हमने ये टॉपिक दो बार किया, एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और ये किस पे दे रहा है, मैग्नेटिक डायपोल। तो डायपोल चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्क वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है इसमें आपको। तो क्या अलाइनमेंट है, वो कह रहा है कि बार मैग्नेट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इनिशियल एंगल क्या है 60। फिर मैंने इसे क्या किया, मैग्नेटिक टू अलाइन दी मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल का मतलब एंगल क्या कर दिया 90। तो इनिशियल एंगल 60, फाइनल एंगल 90। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेना। ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इनिशियल एंगल 60 और फाइनल कितना 180, क्योंकि अलाइन हो जाएगा तो 0 एंगल होगा, ऑपोजिट होगा तो 180 हो जाएगा। तो दो पार्ट्स हो गए। टॉर्क निकालो इस केस में क्या होगा, दोनों केसेस में, इन केस नंबर 2। तो टॉर्क का फॉर्मूला एंड में लगा देना तो आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक न्यूमेरिकल आपको डायपोल के ऊपर करके जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और स्पेशली एनर्जी पे, इस टॉर्क पे और वर्क डन पे इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो क्या दिया इसमें, आयरन रिंग ऑफ परमिएबिलिटी म्यू आर हैज वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ एन टर्न्स पर मीटर व्हेन करंट इज आई, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग। ये क्या पूछ लिया इसने, ये क्या किया इसने, फॉर्मूला क्या दिया, रिंग ऑफ रिलेटिव वाइंडिंग्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ एन टर्न्स पर मीटर। एक रिंग के ऊपर तार लपेट दी, सोलेनोइड नहीं हो गया, टोरॉइड नहीं हो गया, तो म्यू नॉट एन आई का फॉर्मूला एंड में ड्राइव करना है, टोरॉइड का ही कर देना चाहिए। कंफ्यूजिंग था, पकड़ना मुश्किल है। एक रिंग के ऊपर लपेट दी ना वायर को, वाइंडिंग्स हैं, तो टोरॉइड या सोलेनोइड का एक्सप्रेशन आएगा। तो दूसरी चीज इसमें म्यू नॉट एन आई है पर ये परमिबिलिटी दे रहा है म्यू आर, तो आंसर को म्यू आर से क्या करना पड़ेगा, एक और बार मल्टीप्लाई, म्यू नॉट एन आई को म्यू आर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रूफ अपना जैसे मर्जी कर लो टोराइड का तो भी चलेगा। ठीक, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल गिवन, वैसे इसके न्यूमेरिकल आते नहीं है, इसने पता नहीं क्यों पुराने पेपर में डाल रखा है, पर फिर भी चलो न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरी पूछ रहा है। ससेप्टेबिलिटी गिवन है, काय याद है, काय आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, हाँ न्यूमेरिकल नहीं है। तो काय लेस देन वन, काय ग्रेटर देन वन, काय नेगेटिव, काय पॉजिटिव। अब काय अगर नेगेटिव है तो डायमैग्नेटिक है, काय पॉजिटिव है पैरा या फेरो है, तो पैरा या फेरो हो सकता है। ड्रॉ दी मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड पैटर्न ऑन कीपिंग दी पीस ऑफ दी मटीरियल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली बात तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या पैरा मैग्नेटिक कह रहा है, वो पैरा या डाया कुछ भी हो सकता है, वैसे पैरा है क्योंकि 0.9 समथिंग ही है, फेरो में काफ़ी हाई वैल्यू होती है, 1 से भी बड़ी होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि स्पेसिमेन को जब डाला जाएगा तो इसके अंदर वो जो याद है वो प्रॉपर्टीज की थी हमने, इसने तो थ्योरी में लिख दिया कि लाइंस कैसे पास होंगी, आप डायग्राम ड्रॉ कर देना, वो प्रॉपर्टीज याद है, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो साइड लाइन उसके अंदर से क्रॉस होना पसंद करती हैं, तो डायग्राम बना सकते हो उसमें, बस वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी ऑप्टिक्स है। मैं कहता हूँ पहले ऑप्टिक्स ही पढ़ लेना, है ना, ऑप्टिक्स का टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, ठीक है ना, ऑप्टिक्स मॉडर्न तो जबरदस्त है। नहीं, देखो 90 लेने हैं तो ऐसे कैसे, कितना की है पता लग तो रहा है पेपर में क्या आ रहा है, कोई बहुत मुश्किल पेपर थोड़ी ना आ रहा है। मॉडर्न है, मॉडर्न है, अगेन रेक्टिफायर है, गॉस थ्योरम है, एसी जनरेटर, हर के अंदर पड़ा हुआ एसी जनरेटर। मैं तो सोच रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर कहाँ गया, आया नहीं 3 साल से, सिलेबस में है, करके जाना। ट्रांसफॉर्मर जनरेटर में से एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, पक्का आना ही आना है, कुछ तो क्वेश्चन पता ही आने हैं। जनरेटर, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स खत्म।